और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन आप सभी को प्रणाम क्या भूत प्रेत होते हैं भूतों के होने की सच्चाई क्या है आइए जानते हैं लेकिन उससे पहले डे गुरुदेव कहते हैं खुश रहने के केवल दो तरीके हैं अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करें भूत होते हैं ये इतना ही सच है जितना इंसान का होना सच है भूतों के अस्तित्व के बारे में कई बार प्रश्न चिन्ह लगा है क्योंकि हम सब विज्ञान के युग में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और उसे ही सच कहते हैं हमारा शरीर जब समाप्त हो जाता है तो सब कुछ समाप्त नहीं होता हमारे मन की वास्ताएँ तृष्णाएं और इच्छाएं बनी रहती हैं इनका एक अलग संसार होता है लेकिन कभी कभी उस संसार के जीव हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है जो लोग अच्छे होते हैं सदा दूसरों का भला सोचते हैं भला करते हैं वे मरने के बाद भी इसी कार्य में लगे हुए रहते हैं इसलिए मरने के बावजूद भूत बनकर भी औरों की सहायता करते हैं ऐसे अनेक भूत हुए हैं जो सदा औरों को सहायता पहुंचाते रहे हैं और जो बुरी प्रकृति के होते हैं वे मरने के बाद भी दूसरों का नुकसान करते हैं उन्हें डराते हैं परेशान करते हैं भूतों का अस्तित्व होता है इसका प्रमाण हम इन उदाहरणों से जानेंगे मुरादाबाद के अतुल शुक्ला सन उन्नीस में आर्मी पोस्टल सर्विस के वारेंट ऑफिसर के पद पर आइजोल में पोस्टेड थे एक दिन शाम को भोजन करने के बाद बिना किसी मित्र के वो टहलने के लिए निकल गए पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ बरसात में बस कार जैसे वाहनों पर पहाड़ी हिस्सों के गिरने उसमें सवार यात्रियों के मरने की घटनाएं कभी कभी हो जाती थीं अचानक वहाँ लाइट के चले जाने से अंधेरा हो गया अतुल ने टॉर्च से रोशनी की तभी एक डाँडी वाला व्यक्ति उनके पास आकर बोला कि वह रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर है और उसने कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है इसके बदले में वो प्रत्येक फौजी से जो आइजोल में पोस्टेड रहते हैं उनसे कुछ न कुछ उपहार मांगता है उसने अतुल से अंधेरे में टॉर्च मांगी परंतु अतुल ने उसे देने से इनकार कर दिया तो उस व्यक्ति ने अतुल को छू कहा कि आप अंदाज से भी अपने जेसीओ मैस जा सकते हैं उसके ऐसा कहने से अतुल ने उसे टॉर्च दे दी बाद में अतुल ने जब इस घटना का जिक्र अपने साथियों से किया तो मैस कमांडर ने कहा कि वो एक अच्छी आत्मा है जो भूत के रूप में आर्मी के लोगों से वार्तालाप करती है और दुश्मनों से लड़ाई में फौजियों की मदद भी करती है इसी तरह की घटना मऊ की रहने वाली अलका के साथ हुई अलका अपने पिता के साथ इलाहाबाद से लौट रही थी उस समय रात की करीब बारह बजे थे बरगढ़ घाटी में उनकी मारुति वैन को चार लोगों ने रुकवाया जो सड़क पर पर खड़े थे। वैन आए और कहा कि आप लोग आगे मत जाइए आगे बहुत खतरा है अलका के पिताजी ने कहा यहाँ तो कोई खतरा नहीं दिखता यहाँ अब हम कैसे रुके अब इतनी दूर तक आए हैं तो आगे भी चले जाएंगे अब हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है हमें जाने दीजिए वे लोग बोले कि हम आपके साथ हैं तो डर कैसा अलका और उसके पिता वहाँ गाड़ी साइड में लगा कर रुक गए और फिर वैन में ही सो गए जब उठे तो सुबह के चार बजे होंगे जब उन्होंने सामने देखा तो वे चारों वहीं पर बैठे थे उन चारों में से एक ने कहा कि अब आप लोग आगे जा सकते हैं अलका के पिताजी ने जब वैन स्टार्ट की और आगे कि लाइट को जलाए तो वे बोले कि आगे से आप लोग इतनी रात को यहाँ से आया जाया ना करें उनके ऐसा कहने पर अलका की नज़र उनके पैरों पर गई तो वे उल्टे थे तब उन लोगों ने कहा कि डरो मत और सारे के सारे गायब हो गए आगे जाने पर उसी रास्ते में उन्होंने लोगों की भीड़ को देखा तो पता चला कि उस रात आगे जाने वाले वाहनों का एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट की बात से अलका और उसके पिताजी को चार भूतों की बात याद आई जिन्होंने उन्हें रास्ते में आगे बढ़ने से रोका था इसी तरह की घटना पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ भी हुई थी गुरुदेव का सामना भूतों से तब हुआ जब अखंड ज्योति के प्रकाशन के अग्रिम कार्य के लिए वे आगरा से मथुरा में आए थे तब मकान खोजने पर उन्हें घिया मंडी में एक मकान मिला जो बहुत दिनों से खाली था पंद्रह रुपये किराए पर पंद्रह कमरों वाला एक कमरा एक विधवा मकान मालकिन से मिला लेकिन इस मकान पर प्रेतात्माओं का कब्जा था रात होते ही इन प्रेतात्माओं के रोने झगड़ने और ढहाका लगाने की आवाज़ें होती रहती थी एक दिन आचार्य जी ने अपनी चारपाई छत पर ही डाल ली और रात के एक बजे लालटेन ऊपर लेकर जाकर चारपाई पर बैठ गए रोशनी देखकर वे प्रेतात्माएं भागने लगीं तो आचार्य जी ने उन्हें पुकार कर कहा आप लोग इस मकान में बहुत दिनों से रह रहे हैं मज़े से रह रहे हैं लेकिन हमें भी रहने दें ऐसा करें कि ऊपर के सात कमरों में हम नहीं आएंगे और नीचे के आठ कमरों में आप हमें तंग नहीं करेंगे इस प्रकार हम सभी मिलजुल कर रहेंगे किसी प्रेतात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसके बाद कभी वहाँ पर हंसने रोने की लड़ने झगड़ने की आवाज़ें नहीं आई जब अनुष्ठान तप के कारण यज्ञ आदि करने के कारण कुछ ही महीनों के बाद ऊपर के सात कमरों को भी उन प्रेतात्माओं ने खाली कर दिया शायद वे आचार्य जी के सानिध्य में आकर अपनी प्रेत यूनियों से मुक्त हो गई होंगी कई बार हत्या हो जाने पर आत्महत्या कर लेने पर या कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाने पर व्यक्तियों की आत्माएं ना तो मुक्त हो पाती हैं और ना नया शरीर धारण कर पाती हैं और ना ही शांति को प्राप्त हो पाती हैं अतः वे प्रेत बनकर भटकती हैं बुरी आत्माएं दूसरों को सताती रहती हैं डराती हैं और अच्छी आत्माएं मदद करती हैं इसीलिए ये डर अपने मन से निकाल दें कि प्रेत हमेशा बुरी ही होती हैं कभी कभी वो हमारी मदद भी करती हैं तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें